खूबसूरत ग्राउंड मेरे को लोलाब लगा, तो यहाँ पे आने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, और वापस इन लोग इन लड़कियों के साथ खेलना, उनको इंस्पायर करना हमको अच्छा लगा। फर्स्ट बैटिंग लेके टारगेट सेट किया था 110, सो उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ स्कोर, तो अभी ये करेंगे कि बॉलिंग भी उतनी अच्छी करे और जल्दी से जल्दी मैच जीते, तो चाहते हैं वो अच्छी बैटिंग करके जीते, पर हम हमारे बॉलर भी उतनी अच्छी बॉलिंग करके उनको उनके अंदर विल पावर ज़्यादा है। मेन बात वो डरते नहीं है बॉल से, चाहे टेनिस बॉल हो लेदर बॉल हो, वो डरते नहीं है, बिंदास बॉल स्टॉप करते हैं, तो उनकी एक बात अच्छी लगी। उसमें असीम के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा वो बाहर जाके, जैसे लास्ट टाइम पुणे आई थी ये टीम, तो हम चाहते हैं पुणे एक बार और वापस आए, पुणे से बाहर भी जाए महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट में। खेलने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, हम लोग अजीम फाउंडेशन और इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है, उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज किया है उसी से हमारे पुणे का टीम और आपके कश्मीरी टीम को सबको उसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है, और एक्सपोजर जो मिल रहा है लड़कियों को जो अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग पिच पे खेलने के लिए, वो बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाके उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा क्रिकेट में। और ये तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है इधर का, वो तो मज़ा आ रहा है उधर खेलने के लिए। और आपकी बच्चियां जो हैं उनके पास प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है लगातार वो क्रिकेट, ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हमें एक इतना अच्छा इनिशिएटिव मिल रहा है यहाँ पे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। बाहर की टीम हम जैसे प्लेयर्स के साथ हमें कम्पीट करने के लिए मिला, ये बहुत अच्छी बात है। हम इंडिया आर्मी का बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, इंशाल्लाह बेस्ट होगा करना नहीं चाहिए, जो भी फील्ड हो उसमें वो अपना बेस्ट देंगे, क्रिकेट का हो या और कोई भी अपने स्टडी के बारे में, बस क्रिकेट एक लड़की को अपना बेस्ट देना चाहिए, ये नहीं डरना नहीं चाहिए कि हमें ये करते लोग, वो इस बात से नहीं डरना चाहिए।